हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने एमएस सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC10 कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ झारखंड इस पेपर से सिलेबस लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो हमारा पेपर है ये पेपर हमारे पहला पेपर होगा सेमेस्टर 4 के लिए। तो सेमेस्टर 4 का जो पहला पेपर है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ झारखंड, जिसके अंतर्गत हमें 4 यूनिट को पढ़ाई करनी है। हमारा जो पहला यूनिट है उस यूनिट के अंतर्गत हमें मूवमेंट ऑफ झारखंड पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ झारखंड, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि झारखंड मूवमेंट 1925 से लेकर 1963, उसके बाद झारखंड मूवमेंट 1964 से लेकर 2000, उसके पश्चात फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट अर्थात झारखंड पृथक राज्य आंदोलन, इन सब विषयों को पढ़ना है। तो इस पेपर में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा सेक्शन ए है और सेक्शन बी, झारखंड मूवमेंट बिटवीन 1925 से 63 और झारखंड मूवमेंट 1964 से 2000, इन दोनों को पढ़ने से हमारा जो तीसरा सेक्शन है वह स्वतः कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये दोनों यूनिट के सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका यूनिट 3 ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो यूनिट 2 है उसके अंतर्गत हमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस अर्थात आर्थिक परिवर्तन और चुनौतियाँ, इस यूनिट के अंतर्गत हमारा जो सेक्शन ए है उसमें हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात औद्योगिकरण, इसको इस विषय को देखना है और उसके प्रभाव को जानना है। तत्पश्चात हमें वन फॉरेस्ट एंड डीफॉरेस्टेशन अर्थात वन और वनों का दोहन, इस विषय को पढ़ना है। और हमारा जो तीसरा विषय है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स यानी डैम का निर्माण, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन और माइग्रेशन अर्थात इसको प्रवजन या आवर्जन जो भी आप कहते हैं वो है। तो यूनिट 2 के अंतर्गत हमें कुल 3 सेक्शंस की पढ़ाई करनी है, जिसके अंतर्गत हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, इन 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यूनिट 3 जो है उसके अंतर्गत हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी सामाजिक परिवर्तनों को देखना है। इसके अंतर्गत भी हम देखते हैं कि हमें 2 विषय को पढ़ना है। पहला है लैंड इश्यूज एंड एलिनेशन यानी भूमि, उससे संबंधी समस्याएं या विवाद और उसका भूमि के हस्तांतरण की समस्या, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। इसके पश्चात हमें इंट्रा ट्राइब रिलेशंस अर्थात अंतर जनजातीय संबंधों पर प्रकाश डालना है। तो ये हमारे यूनिट 3 का पार्ट है। यूनिट 3 के पश्चात हमें यूनिट 4 के अंतर्गत देखते हैं कि हमें कल्चरल एक्टिविटी ऑफ ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, जिसके तहत हमें सॉन्ग्स म्यूजिक एंड डांस अर्थात संगीत और नृत्य, इन चीज़ों को पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। तत्पश्चात हमारा यूनिट 4 का सेक्शन बी जो है वो है लिटरेचर, जिसमें हमें साहित्य के विषय में जानना है कि जनजातीय साहित्य क्या है, कितने प्रकार के हैं और कैसे हैं। और हमारा जो अंतिम अध्याय है वह है टूरिज्म इन झारखंड, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें झारखंड के टूरिज्म के विषय में संबंधित पर्यटन स्थल अर्थात पर्यटन स्थल झारखंड के पर्यटन स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये हमारे सेमेस्टर 4 के पहले पेपर, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ झारखंड और जो हमारा सब्जेक्ट कोड CC10 के अंतर्गत आता है, इसमें कुल इन विषयों की पढ़ाई करनी है। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, आप इस विषय सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करें। इससे संबंधित वीडियोस मैं आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको जाकर वहाँ एक एक टॉपिक को मैंने डाल दिया है और कुछ जो शेष बचे हुए हैं उनको भी मैं यथाशीघ्र वहाँ आपको डाल दूंगा। आप वहाँ से सारे सिलेबस को एक बार वन बाय वन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।